फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक अगेन टू एक उम्मीद हेल्प यूट्यूब चैनल. थैंक यू फॉर ऑल योर सपोर्ट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल्स. सो वेल, सो आप जैसा कि देख चुके हो, इस वीडियो का हमारा टॉपिक है पीक एंड स्कीप. सो उसके रिस्पेक्टिव हम लोग एक प्रोग्रामिंग के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं. सो आप देख रहे हो यहाँ पर मैंने एक लिस्ट बनाया है, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, और इसमें काफ़ी सारे ये एग्जाम्पल समझ लीजिए फ्लैट के नंबर हैं, राइट. तो इसमें आप देखोगे तो ए 93, 43, ऐसे मैंने बहुत सारे फ्लैट नंबर इसमें पुट किए हैं. एंड मैं किसी को इसमें से, अब मुझे क्या करना है बेसिकली, इस फ्लैट नंबर में से मुझे फ़िल्टर आउट करना ऑल द फ्लैट फर्स्ट जो कि स्टार्ट हो. पहले तो मैं इसके लिए स्ट्रीम में कन्वर्ट करता हूँ, डॉट फिल्टर करना है सारे ही फ्लैट जो कि स्टार्ट होगा, स्टार्ट विथ ए से, ए लेटर, लेटर ए. तो फ्लैट का मैं एफ इजकल टू एफ डॉट स्टार्ट विथ, एंड यहाँ पे मैं डालूँगा ए लेटर. ओके, तो अब मुझे क्या होगा कि ये मुझे वो सारे फ्लैट आ गए, इसमें से एक्सक्लूड कर देगा जितने भी जी वाले फ्लैट हैं एंड के वाले जो भी हैं स्टार्ट से, सिर्फ मुझे ए वाले सारे आ जाएंगे. ओके, नाउ अब इस ए वाले में से मुझे क्या करना है, डॉट मैं कुछ कलेक्ट कर लेता हूँ पहले, कलेक्ट एंड देन कलेक्टर्स डॉट टू लिस्ट. ओके, मैंने लिस्ट में कन्वर्ट कर लिया एंड इसको मैं एक लिस्ट में स्टोर कर लेता हूँ, लिस्ट. स्टार्ट विथ ए. ओके, नाउ मैं स्टार्ट विथ ए डॉट, इसको मैं प्रिंट करूँगा तो मैं फॉर ईच से यूज करता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डबल कॉलन, मैंने ऑलरेडी ये बता चुका हूँ, प्रिंट एलन. ओके, सो नाउ एक क्विकली मैं इसको रन करके देखता हूँ क्या आउटपुट आता है. अभी आप देखोगे तो ए वाले सारे फिल्टर होके आ गए. ओके, नाउ मैं इसे सॉर्ट करना चाहता हूँ, तो व्हाट आई विल डू लाइक सॉर्टेड. ओके, अब मैंने इसको सॉर्ट कर लिया, लेट मी प्रिंट अगेन क्या आता है आउटपुट. ओके, सो नाउ आप देख सकते हो ये सारे नंबर सॉर्टेड ऑर्डर में आ गए, बट यहाँ पे आप देखोगे काफ़ी सारे डुप्लीकेट भी हैं. तो इस डुप्लीकेट को रिमूव करने के लिए मुझे क्या करना होगा, जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया, डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट. ओके, नाउ डिस्टिंक्ट के बाद मैं एक बार क्विकली रन करता हूँ. तो नाउ अभी आपके पास सारे डिस्टिंक्ट फ्लैट आ गए जो कि स्टार्ट हो रहे हैं अल्फाबेट ए से, राइट. मुझे अब इसमें से क्या करना है कि बेसिकली आप देख सकते हो मेरे पास ए 07 इज़ द फर्स्ट एंड ए 08 इज़ द सेकेंड. नाउ मुझे ये दोनों को स्किप करना है, ये दोनों को, राइट. मुझे बस लास्ट के स्टार्टिंग विथ 12 एंड टू 93 ये मुझे चाहिए रिजल्ट. तो स्किप करने के लिए मुझे क्या करना होगा, स्किप फंक्शन यूज करना होगा. तो इसके लिए एक है हमारे पास डॉट स्किप. तो यहाँ पे आप डॉट स्किप भी यूज कर सकते हो. और स्किप क्या करता है फंक्शन, अभी आप देखोगे एक बार तो ये बेसिकली एक आर्गुमेंट लेता है, क्योंकि मैं एक बार फिर से दिखाता हूँ. स्किप ये देखो, तो स्किप ये लॉन्ग टाइप का एक आर्गुमेंट इनपुट लेता है जो कि आपको यहाँ पे मेंशन करना है कितने आपको स्किप करने हैं, कितने एलिमेंट. ओके, तो मैं जैसे यहाँ पे डाल देता हूँ टू एलिमेंट मुझे स्किप करने हैं. तो फर्स्ट टू जो आएगा आफ्टर सॉर्टिंग फर्स्ट टू, मतलब ये मेरा 07 और 08 ये दोनों स्किप हो जाएगा. अभी मैं इसको प्रिंट करके देखता हूँ तो मुझे रिजल्ट 07 08 नहीं आना चाहिए. ये देख सकते हो आपको 07 नहीं आया, 012 ए 12 से स्टार्ट हुआ एंड 93 तक. तो 07 ए 07 एंड ए 08 को मैंने स्किप कर दिया. दो डाला तो फर्स्ट टू स्किप होंगे, अगर आप यहाँ पे तीन करोगे तो फर्स्ट थ्री में ए 12 भी आ जाएगा. अभी आप इसका रिजल्ट देखोगे तो ए 12 भी अब नहीं आएगा, स्किप हो जाएगा. देखिए ए 12 भी चला गया ना. तो आपको जितने एलिमेंट फर्स्ट स्टार्टिंग से स्किप करने हैं वो एलिमेंट का आपका यहाँ नंबर डालना है. जैसे मुझे एक स्किप करना है तो आई पुट एट वन,
देखिए वह 0 7 स्किप हुआ, 8 से कंटिन्यू हमारे पास वैल्यू आ गए। ओके तो ये तो हमारा हो गया पीक का एग्जांपल। अभी काफ़ी टाइम आपको कंफ्यूजन होगा कि एक्चुअल में स्टार्टिंग आपको तो रिजल्ट यहाँ दिख रहा है राइट, एंड नाउ इफ़ यू आर डूइंग डिबगिंग, आपको डिबग करना है कि एक्चुअल में यहाँ पे क्या वैल्यू था, आफ्टर सॉर्टिंग क्या वैल्यू था, देन डिस्टिंक्ट निकला। तो इस टाइम पे जहाँ भी आपको डिबगर पॉइंट, एक डिबगर पॉइंट लगाना, तो उसके लिए हमारे पास एक मेथड है पीक, PEEK राइट। और ये क्या करता है ना कि एक कंज्यूमर का लेता है, कंज्यूमर मतलब जो कंज्यूम करेगा, ये कुछ रिटर्न नहीं करेगा। तो पीक में हम लोग क्या करना है, हमें भी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, मुझे प्रिंट करना है कुछ राइट, एक एक एलिमेंट को आपको प्रिंट करना है। तो आप ऐसे डबल कॉलन ऑपरेटर का यूज़ करके यहाँ पे पीक लगा सकते हो। और मैं यहाँ पे आइडेंटिफाई करने के लिए एक सिस आउट लगा देता हूँ, समथिंग ये फॉर इच को आइडेंटिफाई हो जाएगा कि फॉर इच कहाँ से प्रिंट करना है इसलिए। ओके नाउ सी क्या होता है। ओके सो आप देखो ये पीक क्या प्रिंट किया हमें, 07 08, ये सारे नंबर इसने 08 12 ये सारे नंबर किया, एंड पीक के बाद फॉर ईच में ये हमारा अल्टीमेट रिज़ल्ट आया। तो आपको रिजल्ट से पहले अभी किसी पॉइंट पे आपको कोई कन्फ्यूजन है कैसे क्या आउटपुट आ रहा है, तो वहाँ पे आपको क्या करना होगा, पीक यूज़ करना पड़ेगा। ओके सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ये डिबगिंग के लिए बेसिकली पीक यूज़ होता है, इट्स नॉट मैंडेटरी कि आप ऑलवेज़ यूज़ करो। तो जब भी आपको डिबग करना है इन दैट सिचुएशन, आपको पीक यूज़ करना होगा। Thank you so much and stay tuned. Don't forget to like and subscribe my channel. Thank you.